नमस्कार, हेल्थ गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सिजोफेनिया एक ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी है जिसके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है और अक्सर इसकी सही जानकारी न होने के चलते इससे ग्रस्त लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आज वर्ल्ड सिजोफेनिया डे है, इसलिए आज हम खास इस प्रोग्राम के जरिए आपको सिजोफेनिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई अपना इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो आप उसकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं। इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करें, उसके पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर और जटिल मानसिक बीमारी है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो रोगी की कार्यक्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसमें मरीज अपने दिमाग में अपनी एक अलग काल्पनिक पहचान बना लेता है और वास्तविकता से अलग उसी पहचान में जीने लगता है। अक्सर सिजोफ्रेनिया को लोग युवावस्था की स्वभावगत समस्या मानने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे में जागरूकता और जानकारी के अभाव में सही समय पर चिकित्सा शुरू नहीं हो पाती और बीमारी जड़ जमाने लगती है। इस रोग में मरीज की सोचने की, महसूस करने की और सही व्यवहार करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इस बीमारी में रोगी को दृष्टिभ्रम, जल्दी जल्दी मूड बदलना, किसी से बहुत अधिक ईर्ष्या करने जैसी समस्याएं होती हैं। अगर परिवार का कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त रहा हो तो ऐसे में बच्चे के सिजोफेनिक होने की आशंका बढ़ जाती है। स्ट्रेस और पारिवारिक या तीव्र सामाजिक दबाव भी किसी व्यक्ति को इस बीमारी की ओर धकेल सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है सही समय पर रोग की पहचान और जल्द से जल्द इलाज की शुरुआत। अगर मरीज सही समय पर डॉक्टर की सलाह से दवाई लेना शुरू करे और नियमित सेवन करे तो मरीज सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन नियमित इलाज के अलावा सकारात्मक पारिवारिक सहयोग, सार्थक और सृजनात्मक गतिविधियां और मरीज को प्रोत्साहित करना भी बेहद जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि सिजोफेनिया वास्तव में है क्या, इसके लक्षण क्या है और ये इतना गंभीर कैसे हो सकता है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सीनियर साइकेट्रिस्ट, छत्तीसगढ़ मनोचिकित्सक संघ के अध्यक्ष और सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस राजनांदगांव के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी। डॉक्टर प्रमोद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जो दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और इस बीमारी से जुड़ी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, जागरूकता के लिहाज से भी इसे जानना बेहद जरूरी है, तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4008777। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो इस कार्यक्रम में हम आपको रायपुर का कोड भी बताते हैं, 0771। तो चलिए, जब तक आप कॉल करें हमें सवाल पूछें, उससे पहले हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रमोद, सबसे पहला सवाल जो इस कार्यक्रम में मुझे लगता है जो होना चाहिए पूछने के लिए आपसे, वो ये कि सिजोफेनिया को वर्ल्ड डे आज के तौर पर हम मना रहे हैं, क्या वास्तव में ये इतना गंभीर चर्चा का विषय है जिसको विश्व स्तर पर एक दिन इसके लिए नियुक्त किया गया ताकि हम इस पर चर्चा करें, जाने क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये? बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अब डेटा जो जितना भी अपने पास है वह देखते हुए गंभीरता अपने आप में दिखने लगती है। जैसे पूरे विश्व में लगभग 26 मिलियन लोग इस रोग से ग्रसित हैं और जिसमें से 5.3% जो है वो अपराध करते हैं सिजोफ्रेनिया से जो ग्रसित होते हैं। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा गंभीर है कि लगभग 10-15% जो है वो आत्महत्या करते हैं और 30-40% लोग जो है आत्महत्या का प्रयास करते हैं। इनमें एक साथ में नशा भी जुड़ा हुआ है कि 27.6% लोग जो है वो सिजोफ्रेनिक से जो ग्रसित हैं वो नशे के आदि हो जाते हैं। तो क्राइम, नशा, ऊपर से आत्महत्या, ये सब चीज़ें इतनी गंभीर है कि जिसके अंदर में अपने आप में एक अवेयरनेस जरूरी है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना पड़ेगा कि लगभग 1% पूरी जनसंख्या की 1% आबादी जो है इस रोग से ग्रसित है। मतलब 125 करोड़ की आबादी में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग इस रोग से ग्रसित हैं। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद इस दिन को निश्चित किया गया, इन चीजों को निश्चित किया गया है कि इसके बारे में इतनी जागरूकता फैलाई जाए कि लोगों में जानकारी दी जाए और साथ में इस रोग को उन्मादित रोग के रूप में देखा जाता है और यह रोग लोग इन्हें सामाजिक तौर पे कलंक के रूप में देखते हैं कि मान लीजिए एक बार कोई इस गंभीर मानसिक रोग से ग्रसित हो गया तो हो सकता है उसका जीवन खराब हो जाएगा या समाज उसे अपनाएगा नहीं या परिवार वाले उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे। ऐसी कंडीशंस के कारण में ये अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता लोगों में लाने के लिए
छत्तीसगढ़ साइकियाट्री सोसाइटी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये रोग की जानकारी होए, ताकि वो स्वयं जो परिवार में ग्रसित हैं उनके माता पिता या परिवारजन कैसे उनकी देखभाल कर सकें, या फिर अड़ोस पड़ोस में कोई अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है, क्या हुआ ऐसा तो नहीं इस रोग से ग्रसित है, उसके कारण में ये कंडीशंस पैदा हो रही हैं, तो अगर सही समय बहुत सारे पहलू इसके आपने बताया डॉक्टर साहब, लक्षणों पर भी मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि काफी गंभीर ये विषय है चर्चा के लिए। नवीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, दुर्ग से उन्होंने कॉल किया। नवीन स्वागत है आपका, सवाल पूछे। हेलो, हाँ नमस्ते साहब। हाँ नमस्कार, बोले सवाल। सवाल मेरा ये था कि मेरे पिताजी हैं, उनको 10 साल से यही सिज़ोफ्रेनिया, ऐसा हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बताया है कि 10 साल से सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। जब उनको बीमारी हुई तब वो लोगों पर शंका वहम करते थे, रात को सोते नहीं थे, घर में से भाग जाते थे। तो अभी कुछ ओलेंजा करके दवाई चलती है 5 मिलीग्राम की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसका सर्टिफिकेट दुर्ग में कहीं बन सकता है, ये मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट। अच्छा, कि ये इस बीमारी से ग्रस्त है ये जानने के लिए। हाँ ठीक है, ये सवाल सिंपल सी बात है, जिस मनोचिकित्सक से आप उपचार ले रहे हैं उनको आप कहेंगे तो सर्टिफिकेट वहाँ पे बन जाएगा ये, और बाकी कोई कंडीशंस इसमें है नहीं। अगर आप हैं सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हैं तो दवाइयाँ इनमें लंबी चलती हैं, और वह एक मनोचिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस कंडीशंस के अनुसार में कौन से मॉलिक्यूल या ड्रग को चूज करते हैं। एंड अगर आप नियम से गोली लेंगे तो निश्चित रूप से क्वालिटी ऑफ लाइफ और नॉर्मल और कम्युनिटी सोसाइटी में अपना कार्य को कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, सिज़ोफ्रेनिया का जैसा कि आपने डेटा बताया, एक बहुत ज्यादा समाज को प्रभावित करने वाली ये बीमारी, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। लक्षण पर मैं थोड़ी सी चर्चा इस पर विस्तार से अब करना चाहूंगी आपसे कि क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसके जरिए हम इसको पहचानने की कोशिश, अगर वो खुद नहीं करता तो उसके आसपास उसके परिवार के जो लोग हैं वो कम से कम पहचानने लगे। बिल्कुल ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जिसको हम अर्ली साइंस कह सकते हैं कि हम एक रोग होने के पहले कैसे पता लगा लें कि हम इस रोग से ग्रसित होने वाले हैं। उसमें कुछ ऐसे रहते हैं कि जिसमें सिज़ोफ्रेनिया रोग के अंतर्गत में आप देखते हैं कि हमारे मनुष्य के विचार, उनकी भावनाएं, उनके व्यवहार और अनुभूति, ये तीनों में परिवर्तन आने लग जाते हैं। तो अब सामान्य तौर पे देखेंगे कि एक व्यक्तित्व जो है वो खुश मिजाज का है, या फिर एक व्यक्तित्व है जो थोड़ा शांत स्वभाव का है, ऐसी कंडीशंस में उनकी नॉर्मल पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जैसे उनके विचारों में या भावनाओं में या उनके परसेप्शन या अनुभूति में या व्यवहार में चेंजेस नज़र आ रहा है तो आपको इमीडिएटली एक इंटरवेंशन करने की तैयारी करना चाहिए, मतलब किसी से मनोचिकित्सक से एक सलाह लेनी चाहिए, और हमें सचेत हो जाना चाहिए कि आगे ये गंभीर रूप ले सकता है। इनमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जैसे इनकी बातों में, आप अगर विचारों को लेता हूँ मैं, तो विचारों में हल्का सा शंकाएं आपको नजर आने लगेंगी, जैसे कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, चारी चुगली कर रहे हैं, निंदा बुराई कर रहे हैं, या किसी चीज़ में मुझे षड्यंत्र रच रहे हैं, खाने में जहर मिला के दे रहे हैं, ये इस तरह के विचार आने लगते हैं। और यह विचारों के कारण में उनके व्यवहार में भी वैसी परिवर्तन आने लगता है, आक्रोश, उग्रता, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें आपको देखने लगने को मिलेंगी। उनके परसेप्शन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अनुभूति है, उसके अंदर में हमारी जितनी 5 स्पेशल सेंसेस होती हैं उनमें इनको ऐसा फील होता है कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, तो जिसमें उनको कानों में काल्पनिक आवाज सुनाई देती है, या ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में किसी तरह के जंतु या कीटाणु चल रहे हैं, या फिर उनको ऐसे दृश्य नजर आते हैं कि कुछ लोग जो है कि भूत के चित्र नजर आएंगे, या फिर कुछ ऐसे चित्र आएंगे जो काल्पनिक दृष्टि से आने लगेंगे। ये कंडीशंस हमें समझनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि व्यवहार बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मनोचिकित्सक व्यवहार और भावनाएं और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, और उसी के आधार पे किसी क्लिनिकल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। लेकिन परिवार और समाज जो है वो व्यवहार को इम्पोर्टेंस देता है, तो हमें हर किसी के व्यवहार को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि एक सामान्य तौर पे इनका कैसा व्यवहार है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा, जो लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड टाइप्स रहते हैं, अंतर्मुखी, इन लोगों में यह रोग होने की संभावना कंपेरेटिवली बाकी लोगों से ज्यादा रहती है। जैसे सॉलिटरी गेम्स खेलना है, चेस हो गया, या बुक्स पढ़ना हो गया, या सिर्फ अकेले बैठ के टीवी है, या कंप्यूटर पे है, या मोबाइल पे है, और आप ग्रुप एक्टिविटीज जैसे क्रिकेट,
फुटबॉल, वॉलीबॉल, मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, घर से बाहर निकलकर ग्रुप में रहना या लोगों के बीच रहना ज्यादा बेहतर होता है जब हम इस तरीके की बीमारी से लक्षणों पर चर्चा करते हैं। एक कॉल ले लेते हैं फिर बात करेंगे। महेंद्र जुड़ चुके हैं कांकेर से। महेंद्र स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार, बोले। सर मेरा एक सवाल है सर, जो सिज़ोफ्रेनिया रोग है उसका ब्लड प्रेशर से कुछ संबंध है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं ब्लड प्रेशर से पर से नहीं रहता है, लेकिन हमारा एक भय रहता है, आकस्मिक अनजान भय रहता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है कुछ समय के लिए। बट ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण सिज़ोफ्रेनिया होता है ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसे कार्डियक डिसीजेस होते हैं जिसमें आपको विक्षिप्त, मनोविक्षिप्त की तकलीफें दिखाई देने लगती हैं, जैसे उग्रता, चिड़चिड़ापन, वो भी टेम्पररी रहती हैं। बट सिज़ोफ्रेनिया का पर से रक्तचाप या ब्लड प्रेशर से कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बहुत सारे लक्षण अभी आपने बताए उनमें से कमोबेश लक्षण ऐसे होते हैं जो मैं अगर आपसे कहूं कि मैं अपने आप में भी महसूस करती हूं या जो दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं शायद वो भी महसूस करते होंगे, तो वो जो बीच की एक डिवाइडिंग लाइन होगी कि क्या ये सामान्य है और क्या ये असामान्य है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल यहां पर रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि सिज़ोफ्रेनिया की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और बहुत सारे ऐसे लक्षण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं जो कई बार वो समझ भी नहीं पाते। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि अगर गुस्सा आने की बात है, ईर्ष्यालु की बात है, शक करने की बात है, डरने की बात है, तो कमोबेश ये लक्षण हम में से होते हैं और कई बार परिस्थिति की वजह से ज्यादा भी हम महसूस करते हैं, तो क्या ये शुरुआती स्थिति हो सकती है कि अगर हम सिज़ोफ्रेनिया में जा रहे हैं या हमारा भी जो व्यवहार बदल रहा है उसके पीछे की वजह हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ हद तक जैसे अब बिना कारण का भावात्मक परिवर्तन जो होता है या बिना कारण के गुस्से होते हैं या छोटे से कारण में अति ज्यादा आप उत्तेजित या आक्रामक हो जाते हैं, तो ये एक अच्छे साइंस नहीं होते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप सिज़ोफ्रेनिया, बाकी आप अदर दूसरे मेंटल इलनेसेस की ओर भी आप जैसे जा सकते हैं, एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है और एक्सट्रीम फेज में रहेगा तो सिज़ोफ्रेनिया है। लेकिन अगर मैं ये सिम्टम्स के साथ में एक चीज और अगर ध्यान पे रखता हूँ कि मान लीजिए कि यह आपके परिवार में और किसी को पहले यह रोग हो चुका है, तो डेफिनेटली मैं वो चीजों को ध्यान में रखूंगा और ये सचेत हो जाऊंगा कि शायद ये अर्ली साइंस हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि जो आपने एक बहुत अच्छी प्रश्न पूछा है ज्योति जी, कि ये आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आप हर लक्षण को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे हर मनुष्य के अंदर है। तो ये चीजें क्या होती है, अगर कोई भी लक्षण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके कारण वो अपने खुद के शरीर की देखभाल करना बंद कर देता है या सामाजिक, पारिवारिक या व्यावसायिक उत्तरदायित्व को या कार्य को करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है, तब हमें सचेत हो जाना चाहिए कि इन्हें एक उपचार, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक जब आप पहुंचते हैं तब फिर आपको अलर्ट होने की जरूरत ज्यादा होती है। एक कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। राजनांदगांव से गोवर्धन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गोवर्धन स्वागत है, सवाल पूछिए। गोवर्धन लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर साहब इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार जो सामाजिक जो स्थान है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, कई बार वहां पर कुछ लोगों की हरकतें अजीब अजीब होती हैं, कई बार ये होता है कि उन्हें शायद भूत प्रेत से डर लग रहा है या उनके अंदर भूत प्रेत आ गए, कुछ व्यवहार में अजीबोगरीब परिवर्तन किसी व्यक्ति के में आते हैं लेकिन वो पहले नहीं थे, तो इसके पीछे भी क्या ये वजह हो सकती है, क्योंकि दूसरी चीजों से उसको जोड़कर देखा जाता है, शायद वो अंधविश्वास समझने लगते हैं लोग, फूंक झाड़ कराने लगते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर मनोचिकित्सक के पास जाना ज्यादा जरूरी है बजाय इस तरफ हम अंधविश्वास पे जाएं? या बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और आपकी बात को यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग वे से आपको कमेंट करूंगा कि ये मनोचिकित्सक के क्षेत्र के लिए ही ये चीजें हैं। आज भूत प्रेत जादू टोना अगर ये चीजें संसार में होती तो चीजें बहुत आसान और जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसमें आप देखेंगे कि सिज़ोफ्रेनिया में एक पॉजिटिव सिम्टोमेटोलॉजी होती है और एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव में जैसे तोड़फोड़, गाली गलौज, मारपीट, अचानक उग्र हो जाना, किसी के ऊपर हावी हो जाना या विभिन्न तरह की भाषाओं में या आवाज में किसी से बात करना, तो ये चीजें आप देखेंगे। और मैं अगर किसी चीज का जानकार नहीं हूँ तो उस समय पहले मेरे दिमाग में ये आएगा कि शायद इन्हें कोई देवी शक्ति आ गई है, क्योंकि एक कमजोर 40 किलो का व्यक्ति एक बड़े से टेबल को उठा के फेंक रहा है
या किसी व्यक्ति को उठा के शक्ति कहाँ से आ गई। इनमें आप देखेंगे कुछ केमिकल्स ब्रेन के अंदर में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर नॉर्मल लेवल पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे अंदर 10 है तो उस रोग में लगभग 100 डोपामिन एक साथ रिलीज हो जाते हैं। अच्छा। और वो डोपामिन एक एग्रेशन के लिए और चंचलता के लिए उग्रता के लिए जिम्मेदार होता है। और जैसे आप देखेंगे कई बार ये मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ की दवा लिखी हुई कोई जो फेथ हीलर्स रहते हैं जो उपचार करते हैं वो उनको भभूति मिला के अपना पाउडर बना के दे देते हैं। अब आप उस डोपामिन को किसी भी उस दवा से। चर्चा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन एक कॉल ले लेते हैं बीच में आपको रोक कर। सुनील जुड़ चुके हैं कोरबा से हमारे साथ में। सुनील स्वागत है, सवाल पूछिए। सुनील आप सुन रहे हैं तो सवाल करें। हाँ बोले बोले सुन रहे हैं हम। हाँ डॉक्टर साहब बात करना था। हाँ डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप, सवाल कर लीजिए। मेरा सवाल है, मेरे को 5-6 साल से दवाई चल रही है, नींद की गोली, नींद का। किस चीज की दवा चल रही है? डिप्रेशन का। अच्छा डिप्रेशन की दवा चल रही है। 5-6 साल से चल रहे हैं। हाँ ये दवाई जैसे वो काम कम कर रहा दवाई मान लो तो बदलना पड़ेगा कि कहाँ कुछ। ये भी एक अहम सवाल है, डिप्रेशन की दवा चल रही है 5 साल से कंटिन्यू ले रहे हैं, अब इनको लगता है कि क्या दवा बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी आदमी निर्णय नहीं ले पाता कई बार। देखिए ये एक पॉइंट है जहां से मैं आपको थोड़ा सा सब समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि ओकर प्रश्न बोला रही से कि भाई ये दवाई ला का करे बरे। अब प्रश्न बड़ा सिंपल है और उसका उत्तर भी बड़ा सिंपल है, आपको प्रॉपर समय समय में मनोचिकित्सक से मिलते रहना चाहिए और वो मनोचिकित्सक डिसाइड करेंगे कि उसकी दवा को कम करना है ज्यादा करना है या रोग कोई दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है कि जिस रोग में वो इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है तो वो डोजेस के एडजस्टमेंट के आधार पे आपका इम्प्रूवमेंट लेवल एसेस किया जाएगा। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि दवा बदलना है नहीं बदलना है, वो आपके हाथ में नहीं है। और अगर आप सिंपल पूछेंगे प्रमोद के हाथ में नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में, डॉक्टर प्रमोद के हाथ में, कि वो आपको बदल के दे सकते हैं। वो चीजें डिपेंड करती है दवा के ऊपर में। और डिप्रेशन एक ऐसा बीमारी है कि थोड़ा टॉपिक से अपने हट जाएगा, सिज़ोफ्रेनिया से। उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ दवा के लिए जरूर कह सकते हैं कि समय समय पर आप अपने साइकेट्रिस्ट से संपर्क में जरूर रहें। डॉक्टर साहब सिज़ोफ्रेनिया अगर मान लीजिए किसी को है और हम देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो जब हम इन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के बाद क्या वो सामान्य जिंदगी जी सकता है, इससे जुड़ा भी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। हम चर्चा कर रहे हैं सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। डॉक्टर साहब हम जहां तक समझते हैं लोगों को, एक ज्यादातर लोगों को उन्हें लगता है कि अगर शरीर में कोई तकलीफ है आपके तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मानसिक विकृति, मानसिक विकार या मानसिक बीमारी, तीनों चीजों को लोग नहीं समझते कि उन्हें भी साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है, उन्हें भी मेडिसिन के जरिए ठीक होता है। आपको लगता है ये जागरूकता अगर आ जाएगी तो बहुत सारी ऐसी सिज़ोफ्रेनिया जैसी जो बीमारी है उस पर नियंत्रण हो जाएगा? या डेफिनेटली उसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ज्योति जी, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि रोग तो जैसे शरीर के दूसरे रोग हैं, हार्ट के हैं, आइस के हैं, ईयर के हैं और पेट के हैं, वैसे हमारे मन का रोग है। और ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि शरीर के रोग में पेशेंट को तकलीफ होती है तो वह खुद स्वयं बोलता है कि मुझे चिकित्सक के पास लेके चलो, मुझे दर्द है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे उल्टी हो रही है। बट इस विभाग में एक चीज ये होती है कि पेशेंट बोलता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं है और मुझे इलाज नहीं कराना है। तो कुछ हद तक हम अपने आप में भी जिम्मेदार होते हैं कि रिलेटिव्स जिम्मेदार होते हैं कि उस लक्षण लोग को समझ नहीं पाते हैं, व्यवहार के परिवर्तन को नहीं समझ पाते हैं, वो असल में इसको बीमारी मानते ही नहीं है। शायद यही वजह है कि वो नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहते। मनोरोग के पास जाने का मतलब है कि फला व्यक्ति जो है वो दिमागी संतुलन खो बैठा, शायद ये सोच होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि लोग उसे कलंक के रूप में देखते हैं कि या कॉमन लैंग्वेज में आप उसे पागलपन कहते हैं। बट आपको एक चीज में थोड़ा जागरूक करूंगा इस पॉइंट पे कि मैं 1998 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतना परिवर्तन मैंने चीजों को देखा है कि इस रोग में पूरे के पूरे मानसिक रोग विभाग में परिवर्तन आ रहा है इलनेसेस को लेकर के। कि अब जितना लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो शायद तक अवेयरनेस को हेल्प रहेगा और लोग उपचार कराएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है ना कि चिकित्सक भी भारत में बहुत कम है, मनोचिकित्सक।
तो जिसके कारण में इलनेसेस तो ढेर हैं, जैसे अभी पहुंच नहीं पाते हैं डॉक्टर्स के पास में या उनको सुविधा नहीं मिल पाती, सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण में क्या होता है, पहले ऑर्थोपेडिशियन नहीं थे तो किसी गांव में किसी ने इलाज कर दिया, वो हड्डी को खींच खाच के जोड़ दिए, तो उनके से ट्रीटमेंट, हम समझे तो मानसिक, तो आज हड्डी के डॉक्टर इतने बढ़ गए, हार्ट के डॉक्टर इतने बढ़ गए हैं कि लोगों में जागरूकता है कि हर आदमी आज रोड में दिख रहा है दौड़ते हुए हार्ट के इश्यूज को हैंडल करने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन इस बीमारी से जुड़ी अगर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं तो हर बीमारी के पीछे हम एक कारण देखते हैं, इसका कारण कमोबेश अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आनुवंशिक है या व्यवहारिक परिवर्तन है या डिप्रेशन है, लेकिन क्या कोई खास ऐसा वर्ग है इसके लिए जो इसके उसमें आता है, क्या अमीर है गरीब है या बहुत ज्यादा खुशी है या नाखुश व्यक्ति है, कौन सा ऐसा वर्ग है जो इसमें आता है या सभी सामान्य रूप से आ जाते हैं इसमें? सब सामान्य रूप से, चाहे आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, चाहे आप लर्नड पर्सन हो, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब इसमें कोई कैटेगरी नहीं, मेल फीमेल सब जितने भी रेसेस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। अच्छे से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज हो, या डॉक्टर्स हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या हाँ विलेज के पुअर पीपल्स या फार्मर्स हो, ये सबको ये समस्या होने की संभावना रहती है और होती है। इसलिए ये है कि आप अपने खुद की सोच और भावनाओं पे नियंत्रण अगर रखते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो कुछ हद तक आप अपने आप में इस रोग से आप अपने आप को बचा सकते हैं या संभाल सकते हैं। कोई छोटा सा टिप्स, क्योंकि आज एक स्पेशल डे पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, समय बहुत कम है हमारे पास डॉक्टर साहब, फिर भी आप जाते जाते दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें? एक सरल सी चीज मैं कहना चाहूंगा, रोग की जल्द पहचान से आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। जितना आत्महत्या का प्रमाण आप सिज़ोफ्रेनिया में देखते हैं, अगर मैं किसी को ट्रीट कराता हूं तो हो सकता है कि वो कंडीशन से मैं उनको बचा पाऊं। जितने रोग से जल्द रोग की पहचान होती है, उतना आप रोग को जल्दी कंट्रोल करके उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं और जीवन दे सकते हैं। तो यह मेरी विनती और प्रार्थना है, इस रोग को और मानसिक रोग को आप इस दृष्टि से ना देखें कि यह समाज का एक कलंकित विभाग है या रोग है, यह चीज हर किसी में हो सकती है, हर किसी व्यक्ति में हो सकती है, और जल्द से जल्द इसका उपचार आप कराएं। बिल्कुल, तो बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, जागरूकता के लिहाज से भी और किसी मरीज के लिहाज से भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, नमस्कार।